हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैप ट्रैप आर बैक अगेन आज हम एक बंगलो को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वहाँ के इंटीरियर डिज़ाइनर मिस्टर सनी गुप्ता Owner of Designs, उनसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे किस तरह से उन्होंने इस बंगले को डिजाइन किया है। है. एकदम बढ़िया एक बार फिर से आपका स्वागत है। Thank you, sir. Thank you. और जब भी हम आपके पास मिलने के लिए आते हैं ना तो हर बार कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न एलिमेंट <laughs> और बहुत सारे सस्पेंस होते हैं स्टोरी में आज की स्टोरी में भी बहुत सारे ट्विस्ट ओके लेकिन शुरुआत तो हमारी यूजुअली वहीं से होती है कि हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो पहली बार देख रहे हैं जी, उनको बता दें कि हमारी कंपनी का नाम क्या है और हम क्या क्या करते हैं फिर हम कुछ देखेंगे सनी गुप्ता हमारी कंपनी का नाम है okay.

राइट ठीक है मैंने क्यों प्रोजेक्ट बोले बहुत सारे आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं छोटे बड़े हर तरह के तो ये सर्विसेज आई होप इट इज ऑडेबल आप जितने प्रोजेक्ट हैं वो डेली एनसीआर के बाहर भी करते हैं जी हम पूरा पूरा इंडिया कवर करते हैं जी okay, हाँ, ओके Uh, अभी कोविड ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई तो हमने बहुत जगह पे हमारे को मना करना पड़ा कुछ जगहों पे okay. लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम सब जगह पे केटर करें अगर कोई भी हमें कॉल करता है तो हम कोशिश करें कि हम उसका काम करें बट लेकिन wonderful. बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर अभी आ, फ्लाइट शुरू नहीं हुए हैं ट्रेन का प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा सा हमको अवॉइड करना पड़ेगा टिल मार्च अदरवाइज अभी हम सब जगह पे काम कर रहे हैं सुपर कूल। आज हम आ गए जो देखने के लिए उसमें बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है सबसे बड़ा ट्विस्ट तो खैर ऑफ़ कोर्स वर्क होता है आपका एक और ट्विस्ट है कि हम क्लैप्टर फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हैं जी ये जो हम जहाँ खड़े हैं कहाँ पे हैं और आपसे कैसे कांटेक्ट हुआ ये उनका? गाज़ियाबाद है और ये लैंड क्राफ्ट करके है ये तो यहाँ पे एक ये विला का हमने पूरा काम किया है ओके। इसमें हमने एलिवेशन का काम किया है, हमने इसमें स्ट्रक्चर का काम नहीं किया है जी ये मैडम मैडमट्राइप की फैमिली मेंबर है ना? जी। इन्होंने जीपट्राइप की फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने हम क्लैपट्राइप से देख के ही हमें कॉल किया था लवली ठीक है और उनको हमारा फिर काफी सारे उन्होंने हमारे काम देखे उनको काम पसंद आया तो फिर उन्होंने अपना काम कराया ओके तो अब बात कर रहे थे प्रोजेक्ट की कि ये जो है इसमें ये स्क्वायर फीट में बता दीजिए कितने स्क्वायर फीट में है ये, आ, ये अगर आप ओवरऑल कह सकते हैं तो ये कवर्ड एरिया जो है वो रफली रफली छब्बीस स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है ओके जी और क्योंकि अभी हम एलिवेशन देख रहे हैं बाहर तो एलिवेशन में हमने क्या क्या किया है

ओके okay. ओके ये ये किस ये किस चीज में ये HPL बोलते हैं हैं हम इसको हाई okay. प्रेशर होते हैं, जो एक्सटीरियर ग्रेड के होते हैं अच्छा जी यही प्रेफर किए जाते हैं हमेशा हमने इसके साथ में ये डिजाइनर हैंडल बना है ओके ये का? जी, जी, अच्छा. इसके ऊपर हम डीको पॉलिश कर देते हैं तो फिर वाटर रेजिस्टेंट होता है ओह ओके सो लॉट ऑफ ग्रे ब्राउन एंड ब्लैक इज ओके जी 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 ओके okay, ये पिलर के ऊपर क्या टाइल्स हैं uh, ये पिलर के ऊपर टाइल्स हैं जी अच्छा ठीक है जी ऑल right. <laughs> बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट uh, है क्योंकि ब्राउन एंड ग्रे बहुत इट्स वेरी इन ऑफ कोर्स एंड इट्स वेरी गच्छी आल्सो हमने बहुत 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 कोशिश की जी मैचिंग करने के लिए ओके ओके वेरी ग्रैंड ओपनिंग मतलब इसका गेट जो था वो बहुत ग्रैंड था जी ओके okay. ये अभी थोड़ा आई गेस बाकी जी है? जी जी अभी अच्छा. क्या था कि मीटर इनको फाइनल मिला नहीं था अथॉरिटी अच्छा. तो तो करेंगे okay. आप देख सकते ये, जी. हाँ, हाँ, हाँ. तो ये हमने एक इसके गेट है ये हमने इस तरह से दिया कि इसमें डोर जो है वो कंसील्ड पोजिशन में जी मतलब वो डोर ऐसा नहीं लग रहा कि ये डोर है सिर्फ राइट मतलब एक सिंगल पूरा वॉल लग रहा है करेक्ट तो हमने इसके ऊपर ये विनियर लगाया है वॉलनट पॉलिश किया है ओके okay. और उसके हैंडल जो है वो एंटीक फिनिश में एंटीक है ठीक है विल गो इन नाउ जी ओके डिफरेंट है वेरी डिफरेंट अभी हम रिवील करेंगे कोर्स हमारे व्यूअर्स को अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन साइट सो आई कैन सी इट बहुत डिफरेंट है यहाँ के कलर थीम्स जो बेसिकली जो आपने किए ना वेरी डिफरेंट एक इसमें एक अ सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इंक्लूडेड एंड कलर्स के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम बताइए क्या देखिए ये हमने अगेन एमडीएफ डी में हमने सारे लुअर्स बनाए हैं ओके okay. और उसके साथ हमने ये पूरा uh, आप ये कह सकते हैं कि हमने गोल्ड पट्टी में काम किया है जी ये नेचुरल मेटल है ओके okay. एक्चुअल मेटल में काम किया हुआ है ये पॉलिश नहीं है राइट right, राइट right. तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पूरी सीलिंग के अंदर हमने ये uh -huh. वॉल पेपर थोड़ा सा यूज किया है ओके okay. और ये अगर अगेन हमारा हाईलाइटर ऑफ द वॉल आप देखें तो हमने ये इसमें दोनों साइड पे हमने मिरर यूज किया है जी और सेंटर में भी मिरर यूज किया है ओके okay. जी और ये हमने पूरा का पूरे अगेन एंटी कैंडल्स एंटी हैंडल्स लगाए हैं यहाँ पे मैं देख रहा था कि आपने एक पैटर्न क्रिएट किया विद हेल्प ऑफ मिरर है, है ना जी जी ओके एंटी हैंडल्स के साथ में हमने ये वॉल हाँ। लिया ये वाला वॉल है ओके सो विल गो दैट साइड जी ओके okay. so we'll okay. तो ये हमारा एंट्री एरिया हो गया जी जी एंट्री पॉइंट है बेसिकली ओके okay. इसमें एक और बात है इसमें मिरर बहुत यूज हुए क्योंकि मॉडर्न हाउस है ये ओके और मेटल भी बहुत यूज हुआ है ग्रेन ब्लैक बहुत यूज हुआ है एट द सेम टाइम कॉन्ट्रास्ट में येलो का जो लाइट है ना वार्म लाइट से वो बहुत यूज हुआ हुआ वो वाला पार्ट रिवील करेंगे अभी जो कि हमारा मेन पार्ट है ओके okay, बताइए ये देखिए अब आप सबसे पहले हम ये बड़े खूबसूरत से हमने बनाए हैं जी ओके okay. अंदर ये हैं जी जी और ये हमने इसके अंदर एक छोटा सा डिजाइनिंग एलिमेंट डाला है ओके क्योंकि जनरली होता है कि जब आप स्टेप्स बनाते हैं और उनमें अगर कुछ एलिमेंट्स ना हो तो वो बड़े बोरिंग होते हैं जी अब okay. आप देखें तो ये हमने इसमें एक टेम्पल डिजाइन कहते हैं हम इसे जी ये हमने इसे टेम्पल डिजाइन के अंदर इसको हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग एलिमेंट डाल हाँ जी उसके बाद आप आ जाए ये 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 हमने ये पूरा का पूरा जैसे स्टार्टिंग एरिया है आपने देखा ये जी ये हमने इसमें सोफा सीटिंग दिया है पूरा का ओके आई टर्न दैट साइड ओके जी जी तो वेरी कंफर्टेबल सोफा सीटिंग जी रफली फॉर ए ट सीटर सोफा ओके जी एक बार आई जस्ट आई विल टेक अ स्मॉल पॉज मैं ऊपर से जाके एक बार आपको दिखाता हूँ मैं सॉरी uh, आपके पास माइक नहीं है आइडिया uh, बेसिकली ये था सनी जी uh, आने का यहाँ पर आई नो माई व्यूअर्स दे मे नॉट लाइक मी फॉर डूइंग दिस बट जो ग्रैंडनेस था ना वो नहीं आ रहा था पूरे घर का वहाँ से हमने एंट्री किया था आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो मैं रिपीट करता जाऊँगा तो आप मुझे बताते जाइए वहाँ से हमने एंट्री किया ओके पूरा लेआउट बता दीजिए मुझे पहले जो ड्राइंग रूम का लेआउट है. है जी ही सेइंग दिस इज स्मॉल ड्राइंग रूम saying, अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही और okay. तो ये एरिया किया है ओके अच्छा ओके ओके नाउ आई थिंक आई कैन कम क्लोज़ टू यू इसका मैं पूरा ग्रैंडनेस इधर का भी दिखा देता हूँ उसके बाद में हम डिटेल में जाएंगे ऑल राइट ओके जी ओके ओके। जी माइक फॉर यू बिकॉज योर कॉन्वर्सेशन इज योर डायलॉग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन माइन ओके जी अब आप देखें ये हमने एक यहाँ पे ग्रे थीम लिया है तो हमने इसलिए ग्रे वाइट हमने वाइट टेबल्स लिए हैं मार्बल टॉप्स हैं। ओके और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हमने जी ये मेट, मेटल के इसका बेस है जी रोज गोल्ड में है ये जी रोज गोल्ड ओके इसमें फ्लोरिंग कौन सा यूज किया है फ्लोरिंग हमने इसके अंदर ग्रे मार्बल यूज किया है तो इसको ग्रे मार्फेट बोलते हैं इस स्टोन को अच्छा तो आपस हाँ हाँ हाँ। में आप मिल रहे हैं काफी हाँ काफी अच्छा बुक एट ये मैं देख रहा था ये टाइल्स है कि है सर ओरिजिनल इटालियन है ओके तो आपने इसको बुक मैच बहुत अच्छा किया है और कहीं पे जॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं देखिये मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है ये वर्कमैनशिप अच्छा है इसमें है ना ओके okay. उसकी वजह वो भी ये बुक, बुक मैच करने जी बाद जी ठीक है।, जी, जी। है अब आप देखें सोफा हमारा ये है ऑलमोस्ट टेन सीटर सोफा है जी बहुत ही कंफर्टेबल सोफा है जी सोफे पे हम पूरा हम हमारी जो भी फैक्ट्री का सोफा अगर या फर्नीचर बना हुआ होगा हम कहते हैं कि दस साल तक तो हम हंड्रेड परसेंट उसकी वारंटी आपको देंगे ओके हाँ टेन ईयर्स इट बिग बिग टाइम सर हाँ, yeah, 10 इयर्स तो इस ऑलमोस्ट वी आर कॉन्फिडेंट, वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन आर क्वालिटी। ओके। तो इसलिए हम बड़े स्ट्रक्चर की वारंटी है और पॉलिशर की भी वारंटी। सर पूरी 100% 10 इयर्स की वारंटी है देखिए। ओके। हाँ जी। ठीक है। किसी भी तरीके का कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है? ज

हमारा एक एक ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ right. लेआउट था वो तो इस लेआउट के हिसाब से धीरे तो। अभी अभी धीरे थोड़ा सा सामान आता जा रहा है ओके तो अभी जैसे यहाँ पर दो हमारे बार स्टूल्स आने हैं अच्छा हाँ जी जी जैसे हमारे रीडिंग एरिया में भी हमने अभी हमने रिवील किया था कि दो चेयर्स और आने

अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी वर्कमैनशिप देखिए बिल्कुल बराबर बराबर ग्लास हमने इसमें पेश किए जी हैं। जी ओके एंड टू मैच ये देखिए गोल्ड भी है इसके साथ जा रहा है ओके हाँ। तो सनी जी फ्रॉम दिस ग्लास फीचर वॉल है ये बहुत ही ग्रैंड है चलिए आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ जी ओके ओके वाई आई डोंट ड नॉट डिसकनेक्ट मैं ये काट नहीं कर नहीं कट नहीं कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि ग्रैंड है वो कैप्चर होना चाहिए राइट दैट्स वॉर द होल आइडिया इज जी ओके okay. ये इधर बता, ये बता रहे थे आप हमको पहले हाँ, देखिए ये ये हमने लीफ पैटर्न में एक वॉल डिजाइन किया है जी देखें आप ओवरऑल ओके okay. ये किस चीज से क्रिएट होता है Again, MDF. अच्छा एमडीएफ से तो ये इसके ऊपर फिर हम डीको पेंट करते हैं ओके वेरी गुड आइडिया इसके लिए तो आर्टिस्ट भी अलग तरह के चाहिए जो क्रिएट कर सकते हैं जी 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 बिल्कुल बनाने पड़ते हैं एक एक हैंड कार्व्ड है जी और यहाँ पे आप बता रहे थे कि दो चेयर्स आने वाले हैं नाउ दी दी वर्टिकल पार्ट अब आप उसको देख सकते हैं जैसे ये हमारी पेंट के फिनिश है ये सारे हमारे डीको के डोर्स हैं अच्छा जी इसी के साथ मैचिंग में हमने ये पेंट किए हुए हैं ओके ये हमारा टेक्स्चर पेंट है जी ये थ्रू आउट लिया है क्योंकि इसकी जो लाइफ है इस पेंट की हाँ. वो थोड़ी सी नॉर्मल पेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है ओके जी ये मतलब वॉल के ऊपर जो, जो सिविल वर्क के थ्रू स्क्रैचेस हैं उसके ऊपर फिर जी नॉर्मल नहीं, 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 नहीं। अच्छा। प्लास्टर के ऊपर उसके बाद फिर हमारा इसके ऊपर कलर कोट होता ओ, है। ओके, ओके उससे फिर ये पूरा डिजाइन आता है ठीक है और ये जो प्लेट्स हैं ये बेसिकली जो जनरली होता है ना इसका एरिया थोड़ा बोरिंग है आप देखेंगे तो हमने किए है और ये अल्टीमेटली हमने ऐसा लिया जैसे लोटस लीव्स हैं राइट right. और तो पीछे से हमने इनको लाइट बैक लाइट किया है जी करेक्ट वेरी ब्यूटीफुल बहुत अच्छा है ये ग्रे में आपने लगाया है पे जी ठीक है और ब्लाइंड है यहाँ पे जी ठीक है वेरा भी गोइंग नाउ अब हम यहाँ पे हमने इनके गेस्ट बेडरूम में जाएंगे अच्छा ठीक है चलिए ओके जी सनी जी तो अब हम क्या देखने वाले हैं सर अब हम ये बेडरूम देखने वाले हैं जी ओके जी तो ये क्या मास्टर बेडरूम है ये गेस्ट बेडरूम है ओके okay. जी और राइट right. जी बताइए मुझे इसके बारे में uh, जैसे देख रहे हैं आप, आप इसमें बेड देख रहे हैं ये बेड हमने पूरा का पूरा सॉलिड कुशनिंग इसके पीछे एक एक पीस लगा करके हमने इस बेड को रेडी किया था एक्चुअली uh, जो इस रूम में जनरली उनकी बिटिया ठहरती हैं जब वो आती हैं जी तो आप देखें तो उनको ना थोड़ा सा ग्लास का बहुत शौक है तो हमने इसमें पूरी ग्लास की साइड टेबल्स दी हैं इसके साथ में राइट right. अब आप देखेंगे okay. इसमें जो हमने पूरा फ्लोर दिया है ये हमने इसीलिए थोड़ा सा उनको डार्क फील चाहिए तो ब्लैक दिया आ. है ये सारी टाइलिंग्स हैं अच्छा ये टाइल्स हैं ओके ओके जी अब आप देखेंगे इसके पीछे भी हमने ये पूरा का पूरा हमने ना उनको आप देखेंगे तो हमने ये पूरा का पूरा उनको मार्बल टच दिया है जी इसके अंदर भी लाइट्स हैं जैसे आप देख ही रहे हैं कोव लाइट्स हैं ओके ऊपर फॉल सीलिंग में नॉर्मल लाइट्स हैं प्लस इसके अंदर ये एम्बियंस लाइट दी है हमने सीओवी वाली

बेड के साथ टच करके सेम फैब्रिक में हमने ये इसके शटर्स बनाए हैं राइट वही मैं एक्चुअली अभी मेरा वही सवाल होने वाला था आपसे कि फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हम फैब्रिक वाले हमने बनाए अल्टीमेटली ये वुडन शटर्स ही हैं बट okay. इसके ऊपर फ्रंट जो है हमने जी वो माइका विनियर ना लेकर के सेम फैब्रिक में हमने ये शटर्स रेडी किए हैं ओके okay. ताकि एक वार्म फीलिंग आए अच्छा अब आप देखेंगे जैसे ये हमने पूरी लाइट्स वगैरह अंदर कंसील्ड लाइट्स ये सब दिए ही हैं जी जी वार्डरोब में हम लाइट्स भी देते हैं ओके okay. तो ये एक एलिगेंस ऐड कर रहा है इसमें जी एक क्लास भी ऐड कर रहा है इसमें जी. और एक कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है बेसिकली और इसमें हमने ये देखेंगे तो एंटी कलर के हैंडल्स लगाए हैं मैचिंग के ओके okay. ठीक है ओके okay. ये कौन सा फैब्रिक है जो इसमें लगाया हुआ है ये हमारा हम इसको वेलवेट बोलते हैं जी जी आप देखेंगे इसके डोर्स की हमने मैचिंग इसी के साथ की है अगेन वॉलनट कलर में ये वॉशरूम है बेसिकली जी ये वॉशरूम है ओके तो ये पूरा का पूरा आप देखें ये चौकट की जो हमारी मेन चीज़ हम जो हमेशा से कहते हैं कि हमारी जो फिनिशिंग है वो तो देखिए कि बिल्कुल इक्वल ग्रुप्स मिलेंगे आपको जी तो ये ओके जनरली क्या होता है ना

कि भाई हम उसमें विनियर के या माइका के शटर्स लगाते हैं जी जी लेकिन अब अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि वो बहुत अच्छी नहीं लगती वॉल्ड्रोव राइट right. हमने इसको पार्ट ऑफ रूम बनाने के लिए mm -hmm. कि इज़ अगेन ए पार्ट ऑफ ए रूम नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज राइट तो हमने अगेन इस पे फैब्रिक ही यूज किया

हाँ जी ओके 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 तो आप वेलक्रो के साथ आप चद्दर को लगा दीजिए हाँ हाँ. आपको प्रॉब्लम ही नहीं uh, है सो so, सनी जी इट प्रिस ओपन एंड क्लोज है पूरा इतना टाइम exactly. लगा मेरा कंसर्न ये भी था कि जनरली लोगों के पास टाइम नहीं होता तो बहुत टाइम ना लगाए uh, नहीं देखिए इसमें टाइम अगर मान लीजिए कोई भी चीज है अगर हम उसको सॉफ्ट क्लोज नहीं देंगे जी तो फिर वो उसकी लाइफ नहीं होगी ओके ठीक है तो थोड़ा सा लाइफ के लिए आप ये समझिए कि आप इसको बेड को आप जनरली इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल समर्स में आप इसमें विंटर यूज करेंगे विंटर में से समर के लिए यूज करेंगे अल्टीमेटली ये यूज तो स्टोरेज पर्पज के लिए ही होगा बिल्कुल तो इसलिए लेकिन अब बहुत इजीली है

और यहाँ थीम जी बेच थीम पे जस्ट जस्ट टू टू मैच मैच द कलर्स ओके और एक चीज है कि जो कॉटन में देख रहा हूँ पूरा कि ग्रेन ब्लैक इज जो है वो फॉलो हो रहा है पूरे में है ना नहीं आप देखें तो हमने ये रूम जो है स्पेसिफिकली अभी आप और भी रूम हम इस वेला में देखेंगे जी तो अभी आप जैसे देखेंगे तो इसमें हमने ये अंदर से देखिए आप डोर का पेंट ये देखिए ब्राउन है ओके जी पूरा हमने वॉलनट थीम पे लिया हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा लेकिन अभी आप ये देखिए अब ये डोर हमने ओपन किया ग्रे कलर में है ओके अच्छा दिस इज आउटसाइड एरिया ठीक है तो डोर्स वगैरह में भी हमने कुछ किया है बेसिकली ये बनाए हैं डोर्स भी हाँ, सर सारे okay. हमने यहीं पे साइड पे बनाए सब डोर्स इसका भी मुझे बता दीजिए किस चीज़ के हैं ये सर ये हमारे फ्लस डोर के उसके ऊपर हमने विनियर यूज किया है अच्छा ठीक है

तो yes. हम लोग ऊपर चलेंगे अभी है ना ठीक okay. okay. है गोइंग टू दी फर्स्ट फ्लोर नाउ जी ऊपर हमारे पास uh, क्या क्या है रूम सर एक ड्राइंग रूम है एक बेडरूम है और मेन पार्ट किचन है डाइनिंग okay. है मंदिर है जी चलिए ओके और लेट्स सो वी हैव कम टू दी फर्स्ट फ्लोर नाउ जी ओके okay. वेरी नाइस nice. बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी बताइए मुझे तो सबसे पहले इसमें ड्राइंग रूम पार्ट दिखाते हैं आप अच्छा ओके okay, ठीक है जैसे ये हमने इसके अंदर ब्लू कलर का सोफ़ा लिया है जी हमने इसमें ग्रे ब्लू थीम में ओके okay. हमने इसको रेडी किया है अच्छा अब जैसे आप इसमें पीछे की पूरी बैकवॉल देख रहे हैं राइट right. तो हमने इसको थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट में रखने की कोशिश की है, जी तो आप देखें इसमें हमने ये लूअर्स लिए हैं वुडन के ओके okay. आप इसमें देखें बिल्कुल इसमें एकदम प्रॉपर फिनिश है ब्लैक और बेज की ओके

और यहाँ पे क्योंकि आ, आ, सोर्स ऑफ लाइट बहुत अच्छा है अगर विंडोज खोलेंगे तो यहाँ पे लाइट बहुत सारी है इसलिए शायद कर्टेंस पे दिए हैं ओके जी. और ऊपर तो सीलिंग लाइट, के, लाइट के, के बारे में बता दीजिए सीलिंग लाइट अगेन एम्स लाइट हमने इसके अंदर दी है सारी की सारी लाइट्स इसमें वॉम वाइट है आप इसमें देखेंगे तो हमारी लाइट में भी हमने एक ब्रास लाइट दी है अच्छा हाँ एक्चुअल अगर लाइट को देखेंगे राइट राइट मतलब ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है इनमें भी ना, एक, ब्रास, का, ब्रास का एक व्हील है, जी, जी, जी. जी. Okay. है, है। अच्छा? लाइट ब्लैक लाइट्स तो अब हर प्रोजेक्ट में लग गए जी. लेकिन अगेन ब्रास अभी तक हमने नहीं देखे राइट right. तो अब ये हमारे पास बड़े ब्रास लाइट्स भी हमारे पास डिजाइनर लाइट्स आ गए हमने कहा इसको भी यूज करते हैं इस बार ओके जी ठीक है और इसमें जो सेंटर टेबल है वो भी देखिए अभी ये दो राउंड पीस में सेंटर टेबल हमने लगाया है mm -hmm. इसमें प्रॉपर स्टोरेज भी है ये जी परफेक्ट एंड जो इसके ऊपर मार्बल है mm -hmm. अच्छा ये yeah. अगेन हमने इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल मेक टू ऑर्डर साइज हमने इसके अंदर एक सोफा दिया है हाँ काफी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे एटलीस्ट आई गेस सेवन एट सीटर है आराम से कम्फर्टेबली जी जी आराम right. से ओके okay. और जो इसमें पूरा थीम ब्लू का फॉलो किया है पूरा थीम हमने ग्रे ब्लू हुई थीम पे अच्छा। लिया हुआ है इसको ठीक है तो अगेन अगर आप इस रूम में देखेंगे तो कर्टेन्स हमने इसके अंदर ब्लू लिए हैं अगेन वही सेम वॉल के अपोजिट पार्ट पे लूअर्स एंड लाइट ग्रे कलर जी एंड दिस इज गोइंग टू बी दी एंटरटेनमेंट पार्ट यूनिट बेसिकली यहां पे हमने व्हाइट एश में लिया है पूरा विनियर में जी टीवी यूनिट ओके जी हाँ बिकॉज तो आपने बोला था कि इंग्लिश क्या थीम बताया था English आपने इंग्लिश एक्सेंट है ये तो उसमें ये जो पाइन कलर्स हैं और इंग्लिश के ये लाइटर शेड्स चलते हैं ज्यादा राइट right? और साथ में अगेन अगेन डार्क ग्रे कलर के अंदर हमने पूरा शोकेस लिया है ओके मुझे एक चीज इसमें समझ में आई बेसिकली कि जैसे ब्लेंड होता है मतलब जब आप इंग्लिश थीम क्रिएट करते हैं कोई भी और कलर का जंप होता है तो आप उसको सॉफ्टली मर्ज करते हैं वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने डार्क से जब हमने शिफ्ट किया था स्लोली हमने मर्ज किया ये okay. ये अब आप देखें ये हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है ओके हाउ कैन वी मिस दैट अरे वाह अच्छा और ये ब्लू कलर में अगेन हमने इसको लिया अच्छा है। लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो ये पूरा सी थ्रू पार्टीशन है भी और नहीं भी बिल्कुल तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि एरिया क्रैम्प हो गया है हुँ हुँ हुँ। व्यू ब्लॉक नहीं होता व्यू ब्लॉक नहीं करना है हमारे को ये तो किस चीज में, में बनाया है? अगेन ये हमने एमडीएफ में बनाया है हाँ जी ओके okay. और उसके ऊपर हमने फिर डीको पेंट किया है ओके okay. अब आप इसकी स्मूथनेस इसकी फिनिश आप देख सकते हैं जी 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 इसको प्रॉपर फिनिश है देखिए आपको कहीं पे इसमें बबल नहीं मिलेगा कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा राइट right. बिल्कुल प्रॉपर फिनिश है और डीको पॉलिश है जो स्टोन जैसा हो जाता है बेसिकली एंड ये पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आइडिया ये था क्योंकि यहाँ पे स्पेस था जी आप चाहते थे कि थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब डाइनिंग थोड़ा तो होना ही चाहिए एक प्राइवेसी मिलनी चाहिए जिसके लिए ये क्रिएट किया ओके और क्योंकि ब्लू का थीम था इसलिए वो ब्लू कलर में रखा है अगेन आप देखेंगे अगर डाइनिंग तो ये भी हमने ग्रे ब्लू में लिया है हम्म हम्म देखिए आप इसमें ये जो चेयर्स हैं हमने पूरे डार्क ब्लू कलर में लिए हैं ओके इसके ऊपर हमने नेचुरल मार्बल रखा है अच्छा तो ये जो नेचुरल मार्बल है अगेन ग्रे कलर में है थोड़ा सा अच्छा टू मैच विद स्कीम जी जी आप इसमें देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी ये नेचुरल वुड में हमने इसका पूरा बेस बनाया ग्रे कलर की में। oh, ये है जी. अच्छा, no, no, अच्छा. ये बड़ा ही रूट्स से बनता है मतलब ये पेड़ की लकड़ी से नहीं पेड़ की जड़ से बनता है ये विनियर अच्छा uh -huh. हाँ जी तो उसमें जो आप ये जो ये छोटे छोटे ये देख रहे है ये सब ये एक्चुअली रूट्स हैं अच्छा ओके okay, तो ये जो वीनियर है ओरिजिनल वुड का है विद ओरिजिनल रूट्स में जी, जी, स्टेम से भी नहीं है वुड 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 से से नेचुरल हैचुरल है ओके है। okay, मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे सनी जी जी कि लेआउट को भी खास ख्याल रखा गया है क्योंकि डोर टू तो डोर एक्सेस है जैसे जी, तो वो इस पैसेज को फ्री छोड़ा गया है एक मोमेंट के लिए एक जगह चाहिए होती है जी तो जो किचन का मोवमेंट है किचन से लेकर डाइनिंग तक का स्पेस है उसमें काफी सारा मोमेंट के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है इसीलिए बड़ा प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे डाइनिंग टेबल को रखा गया है ऑब्वियसली अगर अगर साइज मेजरमेंट्स इक्वल नहीं नहीं होंगे जी। और नहीं होंगे और <coughs> प्रॉपर तो घर को देखो भरना भी ठीक नहीं है हाँ घर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो कि बड़ी फ्रीली आप उस घर में घूम पाए जी यूटिलिटी जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो हर घर के एस्पेक्ट्स को हम दो तीन एस्पेक्ट से देखते हैं एक तो डेकोरेशन के एस्पेक्ट से दूसरा यूटिलिटी एंड कम्फर्ट लेवल के एस्पेक्ट से उस हिसाब से हम देखें तो एक हमारा ये एंटरटेनमेंट सेक्शन है जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के एंटरटेनमेंट हो सके कर सकते हैं किचन like के लिए और राइट मंदिर पार्ट पे आ जाते हैं अच्छा जी ओके okay, जी ये अब आप हाँ ये हमारा मंदिर है अच्छा है हमने पूरा देखिए कोरियन में बनाया पूरा ठीक है

ये कस्टमाइज है इंग्लिश कलर्स okay. जो, 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 जो हैं वो यहाँ पे सेम फॉलो किए प्लेस लगता है ना? Right. Okay. दूसरा ये है कि इसका जो फ्लोर है वो ऑलरेडी आप था या आपने किया या नहीं, हमने स्पेसिफिकली किया है क्योंकि मंदिर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए जी ताकि डस्ट वगैरह ना जाए राइट और एक आपको एक डिमार्केशन होता है कि इसके बाद शूज पहन के उधर नहीं जाना इनके ओके बिकॉज इट गिव्स गिवस सेंस ऑफ प्योरिटी ओके एंड नाउ नाओ आर वी गोइंग अब अब हम किचन में चलेंगे ओके चलिए तो वी रिवीलिंग दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब एक okay. किचन का जो पार्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओके एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम वेदास हेलो मैम हाँ जी हेलो मैम वेलकम टू क्लैप ट्रैप यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर आप हमारे फैमिली मेम्बर हैं क्लैप ट्रैप के ओके okay, तो आपको कैसी मुलाकात हुई आप सनी जी से जाए, 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 जा

अच्छा <laughs> ठीक है अच्छा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपने एस्थेटिक के बारे में ऑलरेडी बता दिया हमको अब दूसरी बात आती है जो जनरली लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम्स दो प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक तो हैंड में बहुत टाइम लगता है तो जनरली सनी जी नहीं। का नहीं दिया। अच्छा

ओके okay. ठीक <laughs> है ओके सो okay, so सनी जी हम बात कर रहे थे किचन की थैंक्स अलॉट मैम थैंक्स थैंक यू ओके हम लोग अब किचन देख रहे हैं जब एक so, अभी हैंडओवर हुआ है तो इस ऑलरेडी फंक्शनल है है ना जी जी जी, जी. बिल्कुल है अच्छा सनी जी ने दिया था ये आइडिया ओके अच्छा अच्छा हम होप नहीं वाइट वाइट ऑलवेज लुक्स एलेगेंट इन डिस दिखता है भाई देखिए बाउंस आ रहा है लाइक अच्छा ठीक है आई होप हर वॉइस वॉज ऑडिबल बिकॉज माइक हमारे पास थे सो so, uh, सनी जी दिस किचन इज दाइट इन दी वाइट थी वाइट डिड यू डिसट इन किचन एक्चुअली क्या होता है कि किचन के अंदर ना आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जी ये हमारे को ना कस्टमर्स के ही फीडबैक्स रहे हैं और इनफैक्ट जब भी हमारे को कोई फीडबैक मिलता है तो हम बड़ा सीरियसली उसके ऊपर सोचते हैं जी जब भी हमने डार्क किचन लिए है तो आप ये समझिए कि जब हमारे घर में सब्जी के कलर जो होते हैं जी डार्क किचन में सब्जी का कलर ही चेंज हो जाता है ओके हाँ जी जी अच्छा हाँ जी। और जब वो आपके डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है तब उसका कलर डिफरेंट होता है ओ। जिसकी वजह से लेडीज को बड़ी प्रॉब्लम हुई अच्छा मतलब तो आप ये ऐसा फीडबैक हमारे को लोगों ने दिया और वाइट किचन पे आपको एक्चुअल कलर नजर आता है जो, आपका आप बनाते हैं जी तो उससे आपको बड़ी इजी रहता है राइट

ठीक है तो कलर को हम बड़ा और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हाइट कलर जहाँ पे भी होता है तो वो जगह भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगती है राइट right. जैसे तो बहुत, तो बहुत दिख रहा है ऐसा लग रहा है बहुत, बहुत स्पेस है इसमें है ना देखिए अब okay. आप देखेंगे तो ये इसके हमने कम्प्लीटली ग्लास शटर्स लिए हैं जी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ग्लास शटर्स कैसे मैनेज होंगे राइट बट ऐसा कुछ है नहीं ये देखिए देखिये ये इसके अंदर ये देखिए सॉलिड बोर्ड के ऊपर हमने ग्लास पेस्ट किया हुआ है अच्छा हाँ तो ये देखिए ये देखिए हमने बड़ा फ्रीली इसको ये देखिए बंद कर दिया ओके okay. देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से नहीं। जी जी ये पूरा ग्लास शटर है जो ऐसा लगता था कि मॉडुलर नहीं है ग्लास शटर से, से अच्छा और किचन मॉडुलर ही है ओके okay. हाँ जी मतलब ये, ये... फैक्ट्री से ही बन आया है अच्छा जी के के बोर्ड के ऊपर नहीं बोर्ड के ऊपर ग्लास बोर्ड के ऊपर हमने ग्लास पेस्ट 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 किया है। अच्छा, लैमिनेट करते हैं, right. पेस्ट करते हैं इसके ऊपर है। is... है। अच्छा तो ये बाकी बाकी मटेरियल से रिलेटिवलीजी होता होगा क्लीन करना बहुत आसान है प्लस ये थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा अच्छा इस इसका कलर लूज कलर नहीं होगा इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आएंगे ओके okay. कोई स्टेन्स नहीं आएंगे <coughs> तो इसलिए ये थोड़ा सा किचन के लिए ज्यादा बेस्ट है और ड्यूरेबल <coughs> है ठीक है तो चिमनी की बात करें तो यहाँ पे आपने वाली चिमनी दी है स्ट्रेट की जगह तो होता है सेक्शन सेक्शन की चिमनी है ये अच्छा इज द बेस्ट इंडियन किचन राइट वर्लपूल में है ये और जो टॉल लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है जनरली चिमनी जो है सिर को हिट कर जाती है तो दिस इज इन दीज डेज तो यही चिमनी ज्यादा प्रेफर करते हैं हॉब्स की बात करें तो हॉब्स है एलिका के जी ओके ठीक है ऑल राइट

अच्छा ओ। ये वेट किचन है इसी में देखिए हमने ये वॉशिंग मशीन दे दिया है जी अब आप ये देखें इसके अंदर जो टाइल्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत है स्टील का ओके यूटिलिटी के हिसाब से बिकॉज सैनिटाइजेशन हो वॉशिंग के लिए वेसल्स uh, के लिए है बेसिकली वो है ना जी ये जो uh, ये सिंक में देखो वेजिटेबल बाउल है अच्छा ये थोड़ा डिफरेंट है ये स्पेसिफिकली ये, ये इसलिए है कि आपको जैसे सब्जी कटी रखी है जी आपको एकदम रेडी कुक करने के लिए एक और बार अगर आपको वॉश करना है करेक्ट उसके लिए है ओके okay. हालांकि लेआउट में बेसिकली कंस्ट्रक्शन का, का काम ऑलरेडी था ही जैसे आपने बताया कि विला ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था विला ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था ओके तो लेआउट में बहुत ज्यादा ऑप्शन जो था जो जो ऑलरेडी था बाद हमने इसके अंदर कुछ चीजें हमने अपने हाँ से चेंजेस किए फॉर एग्जांपल किचन जैसे अभी यू शेप किचन है ये देखिये जैसे किचन था इसके अंदर थोड़ा सा आइडिया पहले डिफरेंट था हाँ? उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इसको आइडिया को हमने डिफरेंट किया अच्छा जैसे क्या किया इसमें जैसे इसके अंदर सबसे पहले जो किचन था इसमें वो तो नॉर्मल एल टाइप का था अच्छा एल शेप किचन तो हमने इसमें वेट किचन जो था ये हमने पहले अलग किया सेपरेट किया टॉल यूनिट डाला है इसके ये अगेन हाँ okay. हमने फ्रिज के लिए स्पेस बना दिया जी और ये हमने बाहर एक बफे काउंटर कम क्रॉकरी यूनिट बनाया है ओके आप देखें यहां से, right. आगे से ग्लास शटर्स के ओके oh, okay. इससे ना केवल स्टोरेज मिलता है बल्कि किचन को एक सेपरेशन भी हाँ मिलता है यहां से. और ये, ये ना नियर बाय डाइनिंग एरिया है हाँ. तो आप देखिए कि यहीं से ये एज ए बफे काउंटर भी यूज होगा राइट right. बिल्कुल बिल्कुल तो किचन में से फूड प्रिपेयर हुआ वो यहाँ पे आपका आपने लगा दिया जी फिर यहाँ से सर्व हो सकता है डायरेक्टली ठीक बात है और जनरली इन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत रहती है स्पेशली जब आपकी सर्विंग कुकिंग हो जाती है उसके बाद आप यहाँ रख सकते हैं एंड जनरली ऑलवेज हाईलाइट करते हैं इनको ऐसे लाइट्स के साथ में ऑल राइट right. और हम सीलिंग की बात करेंगे उससे पहले तीन लाइट्स हैं जो बहुत बहुत ही खूबसूरत लाइट्स हैं जब भी ऐसे बफे काउंटर्स होते हैं उनके ऊपर ऐसा लाइट्स होते ही हैं लीनियर शेप में है ना जी ओके अब इसकी सीलिंग जो बहुत अनयूजल है ये कटिंग्स पैटर्न क्रिएट करें टू बी वेरी फ्रेंक हम ये सीलिंग uh, थोड़ा सा ये क्लाइंट uh, की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे हमें डिज़ाइनर सीलिंग देनी है अच्छा तो हमने ये डिज़ाइनर सीलिंग दी

सकते सीलिंग्स में किचन तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट right. है मतलब कि अगर उसके अंदर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पता होना बहुत जरूरी है जी अदरवाइज बहुत बहुत गंदा लगता है किचन राइट अब आप देखेंगे अगर इसका बैक स्प्लैश देखेंगे तो उसमें भी हमने ये डिजाइन दिया है ओके हाँ. ये, okay. ये हल्का सा मेंटेनेंस चाहिएगा इसको बट जो इसकी क्लीनिंग है वो आप ये देखिए इसी से थोड़ा सा ब्यूटी आ रहा है पूरे पूरे किचन में राइट और इसमें जो फ्लोर यूज किया है वो अगेन इटालियन फ्लोर है पूरा का पूरा अच्छा हाँ जी टाइल्स है मार्बल है नहीं नहीं इट इज ओरिजिनल एक्चुअल इटालियन मार्बल ओके okay. हाँ जी ठीक है तो हमने पूरे 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 प्रोजेक्ट के अंदर इसमें इटालियन यूज किया है हाँ तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हम इसको ग्रे मार्फिल बोलते हैं इस स्टोन को जी तो ये हमने पूरे प्रोजेक्ट में यूज किया है आप देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है आपको इसके अंदर हमारे जो जोड़ वगैरह है वो बहुत बहुत माइन्यूट से नजर आएंगे राइट जी इनफैक्ट बिल्कुल बुक मैच हो गया वो पता नहीं चल रहा है उसका ठीक है और ये लाइट्स बहुत अच्छी हैं ये कहाँ से लिया आपने ये एक्चुअल में सही बात मैं भी बोलूंगा कि आ, ये मैडम का आइडिया अच्छा हाँ और जो हमें भी बहुत अच्छा लगा तो फिर हाँ। हमने इनकॉर्पोरेट किया हाँ और uh, मतलब जनरली लोग इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं इनको ऊपर नीचे करते हैं बट आपने मैम ने दोनों ने मिलकर आई गेस इनको लीनियर फॉर्म में रखा हुआ है विच इज लुकिंग वेरी नाइस और अप्रोप्रियट हाइट है नॉट टू लो नॉट टू हाई अच्छा दिख रहा है वो और ट्रांसपेरेंट है तो सेंस ऑफ स्पेस भी क्रिएट करता है वो जी. ठीक है वेर आर वी गोइंग नाउ हम मास्टर बेडरूम में जाएंगे अब चलिए ठीक है सो so, सनी जी दी मास्टर बेडरूम जी हमारा मास्टर बेडरूम है ओके आपकी स्माइल बता रही है कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं <laughs> <laughs> मतलब बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट है <laughs> काफी डिटेल में आप हमें बताने वाले लगता है ओके एक ओवरऑल व्यू दे दें पहले ओके ऑल राइट सो दिस इज मास्टर बेडरूम ओके ठीक है फुल ऑफ सरप्राइजेज राइट फ्रॉम सीलिंग टू द फ्लोर टू वॉर्ड्रोब एवरी थिंग इज फुल ऑफ सरप्राइजेज दो इज लिटल कॉम्पैक्ट बट इट इज नॉट लुकिंग कॉम्पैक्ट एट ऑल बिकॉज ऑफ दॉब ओके ऑल राइट सोनी सर स्टार्ट ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जी. इसके बेड के बैकड्रॉप से पूरे से ओके okay. अगर आप देखेंगे तो अगेन बेड वही है हमारा स्टोरेज वाला More रिमोट wise. के साथ वाला अच्छा ठीक है अब आप बेड की क्वालिटी देख सकते हैं mm -hmm. ठीक है फिनिश देख सकते हैं जी ये जो सारी चीजें आप देखें हमारी बिल्कुल थ्रू आउट इक्वल रहती हैं हमेशा राइट right. पीछे का हमारा जो इसमें हमने वॉलपेपर यूज किया है उसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जी अब उसी के साथ में आप देखेंगे तो ये चेयर भी हमने मैच किया है इसके बेड की बैक की बात करेंगे तो इस पे पूरे पे हमने पीछे बैक में ये हमने वुडन में लिए भी हमारे वुडन में जी कम्प्लीट आप देखें डीको पॉलिश लिया हुआ है हमने राइट

तो ये देखें। जी। बहुत ही कंफर्टेबल क्योंकि मैम है, रीडर है तो इसका प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने स्पेस ऑक्यूपाई जो किया है जहाँ पे ये विंडो के पास में है तो रीडिंग अगर करना है तो दिस इज वेरी विंडो है, है जी तो यू गेट एम्पल ठीक है इस चेयर की खासियत आप बता रहे थे कि वे एक्सपेंसिव फैब्रिक यूज हो चेयर इस चेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी डिटेल होती है जो लोगों को ना समझ में नहीं आती जी 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 लेकिन एक अच्छी चेयर बनाने के लिए देखिए हमारे को बहुत काम करना पड़ता है जी देखिए अगर आप ये देखेंगे देखे, जो ये टेक्स्चर है देखिए थ्रू आउट द चेयर के अंदर एक लाइन में अच्छा तो ये जो क्रोकोडाइल पैटर्न है ये एक थ्रू आउट द लाइन में तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है राइट right. तभी एक चेयर की फिनिशिंग आती है जी अदरवाइज आती नहीं है इसमें तो काफी फैब्रिक वेस्ट भी होता होगा अगर बुक मैच करना है तो करना ही पड़ेगा सर ओके okay. अगर वो वेस्ट नहीं करेंगे तो सर चीज का लुक नहीं आएगा ओके okay. और डुअल फैब्रिक है बुक मैच हुआ है इसमें ऊपर एक डिफरेंट फैब्रिक है वाइट और उसके साथ में ये ग्रे कलर अच्छा क्योंकि आप रूम भी देखेंगे तो ये हमने ग्रे वाइट रूम बनाया है राइट तो वही ग्रे वाइट हमने इसमें चेयर भी दिया है लेग्स भी ग्रे है इसकी और भी ग्रे रखे हैं इसमें ठीक है ओके नाउ कोजीनेस बेसिकली जनरली क्या होता है एक बेडरूम के अंदर मतलब आई 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 एम 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 सॉरी इफ स्पीकिंग इन योर लैंग्वेज बेडरूम के अंदर जरूरी होता है कि लाइट्स के कलर वार्म लाइट्स कूल जी है ना तो अगेन तो, अगर आप देखेंगे तो हमारे सभी सभी जगह पे हम क्या होता है कि कोव लाइट भी देते हैं पैनल्स भी देते हैं जी और एम्बियंस लाइट भी देते हैं राइट right. वो हमने यहाँ पे भी दी है आप देख रहे हैं यहाँ पे सी भी, भी है यहाँ पे कोव लाइट भी है और यहाँ पे पैनल लाइट्स भी हैं जी जी अगेन अगर आप आप इसके बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट अगर आप देखें जैसे ये टीवी यूनिट है टी एंटरटेनमेंट यूनिट है जी इसमें अगेन स्टोन फिनिश के अंदर हमने इसको फिनिश किया है बिकॉज ऑफ द ओके और इसके अंदर ये हमने देखिए क्वेश्चन है अच्छा दिस इज नॉट माइका और एनीथिंग राइट फैब्रिक में

बहुत ही सोवर एंड सिंपल इसका आपने एंटरटेनमेंट यूनिट बनाया है ओके मे बी बिकॉज दी डिमांड ऐसी है घर की एक पूरी थीम के हिसाब से अल्टीमेटली देखिए अगर कहीं पे भी ये होता है कि जब जैसे अभी आपने सुना भी मैडम हाँ, से भी हाँ, हमारे ऊपर जब छोड़ दिया तो देखिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है राइट right. कि चीज़ निकल के आनी चाहिए करेक्ट देखिए कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे ये लगे कि शोशाबाजी है राइट right. चीज में सोबरनेस एलिगेंस जी आनी चाहिए नजर करेक्ट है तो करेक्टे अगेन आप ये देखिए सॉलिड बनाया है, पूरे right. किया है। totally पूरे घर का जो बाकी है जी। आप नीचे फ्लोरिंग देखेंगे, तो जी। हमने टाइलिंग यूज किया है अच्छा ठीक है इसको हम अरमानी ब्राउन कहते हैं ओके okay. ठीक है जी। तो आप ब्राउन कलर देखेंगे तो इसलिए हमने बेड के जो पीछे दो पिलर्स थे वो हमने ब्राउन किए थे जो टीवी यूनिट है अगेन हमने इसलिए ब्राउन किया है राइट

काफी स्पेस क्रिएट हो गया अंदर है। और आप देखिए थ्रू आउट लाइट दिया दिया है है हमने 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 इसके okay, इसके अंदर अंदर एक 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 काफी स्पेस क्रिएट हो गया और एंड देन यू हैव अ साथ स्मॉल आपको ड्रेसिंग यूनिट भी दिया है। अच्छा जी और अगर आप एक और चीज देखेंगे आई कि जब हमारी लेडीज साड़ी वगैरह पहनती हैं या जेंट्स रेडी होते हैं जी तो उसके लिए लॉन्ग मिरर की जरूरत पड़ती है राइट लाइफ साइज मिरर पूरा जी। यहां पे जी। जी। और इससे एक इल्यूजन भी क्रिएट हो रहा है बेसिकली <laughs> अगर आप देखें ना इससे एक सेंस ऑफ डेप्थ भी क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है डबल द साइज है ओके okay. अब आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे थे मुझे वो बता दीजिए अब आप इसमें देखेंगे तो जो हमने वहां पे ब्राउन कलर यूज किया है जो हमने उसमें कुशनिंग यूज किया है वही हमने ड्रॉर के शटर्स यूज किए है ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छा और अगेन अगर आप देखेंगे तो हमने आ, बड़ा सोच समझ करके इसके अंदर हमने जो अंदर वॉर्ड्रोब के जो अंदर का कलर है वो हमने ना लाइट रखा है ना डार्क रखा है अच्छा वो स्पेसिफिकली हमने थोड़ा सा इसको ना अलग फील देने के लिए अच्छा। थोड़ा सा वॉर्म फील देने के लिए जी जी हमने ऐसा रखा है कि कपड़े नजर आए राइट राइट अच्छा ये जो लाइट आपने ऊपर दिया हुआ है ओके और इसका में इसका स्विच ऑन एंड ऑफ का है या सेंसर है से जब जब आजी आजी सेंसर ऑफ के लिए है ये अच्छा अदरवाइज आप सेंसर, गी सेंसर गी भी लगा सकते हैं इसमें ओके बट इसमें शटर्स नहीं है सेंसर जब यूज होते हैं जब शटर्स होते हैं अच्छा जी ओके इसमें इसकी खास ख्याल रखना होगा कि जब भी इस तरह के वॉर्ड्रॉप बनवाए ओपन तो थोड़ा उनको ऑर्गेनाइज रखना पड़ता होगा

At the same time, uh, जो बेडरूम है वो कॉम्पैक्ट नहीं होता उसका स्पेस नहीं होता राइट right? ठीक है अब हम में चलेंगे। जी। आपको एक बार sure. एक बार दिखाते हैं। ओके यहाँ पे, okay. पे रेडी करके अच्छा बाथरूम में आइए और राइट यहाँ पे एक मिरर लगेगा क्या आ, नहीं अच्छा पे अंदर है अच्छा वहाँ पे है अंदर ओके ओके जी जी हमने इसमें ग्रे बेज का अगेन जो हमने जैसे ब्राउन और ग्रे राइट हाँ हमने थीम कंटिन्यू किया है वही हमने बाथरूम में कंटिन्यू किया है ओके अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये देखिए कि जो हमने इसका चौखट बनाया है जी वो देखिए ग्रेनाइट का बनाया है ओके ताकि ये कभी भी पानी से खराबी ना हो राइट थ्रू आउट ओके जनरली लोग वुड में बना देते हैं इनको अब आप देखिए अंदर आइए हमने ये इसमें बेसिन और पॉट हमने मैच किए हैं ओके ठीक है तो अगर ये भी ब्लैक है पूरा थ्रो आउट हाँ, ब्लैक ओके माय फेवरेट ब्लैक बहुत लोग आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल फॉल इन लव विद द ब्लैक कलर जो जनरली अवॉइड करते थे वो दे कैन स्टार्ट यूजिंग ब्लैक बहुत अच्छा दिखता है ये जी अब आप okay, देखें इसमें ये हमने अगेन स्टोन का काउंटर बनाया है जी ग्रे कलर का वैनिटी दिया है हम्म हम्म इसमें थोड़ा सा एलिगेंस देने के लिए हमने गोल्डन टाइल्स दिए हैं अच्छा ये भी टाइल्स में ओके डायमंड कट में जी ओ ओके ये हाईलाइटेड टाइल्स होते हैं ये इंडिया से बनते हैं इम्पोर्टेड है इंडियन है इंडियन है ओके वेरी नाइस ठीक है ये आ, ये इसी शेप में रहते हैं जी बहुत सॉलिड है पूरा ये ओके okay. ये इनका बेदिंग एरिया है ये देखें आप हाँ, इसके अंदर हमने इसमें आर्टिस्ट सीरीज में हमने यूज किया है अच्छा और ऊपर इसमें हमने रेंज शावर लगा के दिया है ओके कौन से इसमें हमने यूज किए है okay, okay. हम हैं, okay. तो हैं। किएक इसमें एक चीज और भी है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें एक लाइट है ना जो येलो लाइट ये तो लाइट वो एक बहुत अच्छा इम्पेक्ट क्रिएट कर रही है बेसिकली क्योंकि पीछे एक विंडो है तो डे लाइट और नेचुरल लाइट का सोर्स बहुत अच्छा है तो उसको कट करने के लिए जस्ट टू गिव ब्रेक जस्ट टू बिकम लिटिल स्टाइलिश पे एक लाइट है जी और ऊपर भी है ठीक है छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हैं जो आई एम नॉट श्योर आपके एंड से अफकोर्स रहा होगा मैडम से बात हुई होगी कि जैसे टाल्स हैंड टाल्स हैं, हैं, हैं छोटे छोटे कलर जो चीजें हैं वो भी कलर कोऑर्डिनेशन में है आपस में देखिए कलर कोऑर्डिनेशन तो देखिए अगर आप सोच समझ के बना रहे हैं जी अगर आप किसी भी चीज में देखिए काम करने में अगर आप टाइम दे रहे हैं राइट right. तो फिर कुछ चीजें कोऑर्डिनेट होंगी अपने आप ठीक है तो यही यही हमारा काम है बीइंग ए डिजाइनर तो मतलब हमको चीजें डिजाइन करनी है उसके बाद बनानी है राइट right. सिर्फ बनानी नहीं है ठीक है वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ है ना राइट राइट और राइट सो जी ये आपका माइक एंड वी आर ऑन दी थर्ड फ्लोर नाउ जी राइट सर जी ओके ये देखिए ये ऊपर से ओवरऑल व्यू दे देते हैं ये कैसा दिखता है वी कवर्ड ग्राउंड फ्लोर एंड देन द फर्स्ट फ्लोर नाउ वी हैव कम टू दी सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लोर ओके ऑल राइट वेरी स्पेशियस बहुत अच्छा है ये काफी स्पेस हमने एक्चुअली क्योंकि आपको पता है मैडम भी और सर भी दोनों ही प्रोफेसर हैं जी तो उनके लिए हमने ये स्टडी टेबल और एक एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये उनका लाइब्रेरी है ओके okay. हाँ तो आप ओवरऑल अब देखेंगे क्योंकि अभी तो तो पूरा शिफ्ट भी नहीं हुए। जी जी। अदरवाइज़ दे हैव लॉट्स ऑफ़ बुक्स। ओके। ये सब भर जाने वाला है राइट ओके आइडिया है बेसिकली यहाँ पे लाइट्स कैन एक्चुअली हमारा पैटर्न जो है वो जनरली हम यूज़ करते हैं स्टोन में ओके जी और तो ये हमने एक पूरा शोकेस स्टोरेज है ये हाँ। और उसके बाद में अगर आप इधर देखें ओके जी तो ये अगेन हमारा एक हिडन स्टोरेज है जी यहाँ पे यहाँ पे, आ, यहाँ यहाँ पे भी, भी कुछ बुक्स आएगा हमारा ये आप भी कह सकते हैं प्रिंटर आ जाएगा यहाँ पे हमारा अच्छा टेलीफोन आ जाएगा ओके तो सब हिडन रहेगा प्लस यहाँ पे हिडन रहेगा प्लस इसमें नीचे भी हमने पूरे के पूरे काउंटर में बना के दिया है ठीक है अगेन ग्रेवाइट टीम हाँ करेक्ट थ्रू आउट फॉलो किया है वो। जी, जी, जी। ओके

ठीक है सो आई थिंक वी हैव रीच टू दी टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग नाउ जी ओके एंड दिस इज स्टोरेज पार्ट एंड काफ़ी सारा मेरे ख्याल से 2000 हज़ार एक दो तीन हजार बुक्स की तो एंट्री हो जाएगी आपका स्टोरेज आराम से ओके ऑल राइट सो वंडरफुल एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज एंड दर आर कपल ऑफ अदर पार्ट्स आल्सो इधर उधर भी कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास जो अभी नहीं लेकिन अभी क्या है एक्चुअली हम उनको रेडी नहीं कर रहे हैं अभी वो हम uh, बाद में रेडी करेंगे अच्छा जी. ठीक है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे हाँ हमको तीन महीने लगे इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में अच्छा जितना आपने सोचा था उतने दिन में हुआ जी 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 ओके ठीक है और हाउ डू यू कैलकुलेट द प्राइस जो हमारा होता है बेसिकली देखिए अगर आप इस पूरे विला की बात करेंगे तो हुँ. इसके अंदर हमने ना अलग अलग हेड्स में प्राइजिंग लिए थे जी तो इसका आप ओवरऑल कॉस्टिंग आप कह सकते हैं कि हमने इसमें फोर्टी लैक्स चार्ज किया अच्छा जी जिसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है जिसमें आप कह सकते हैं कि सारा स्टोन इंक्लूड है ओके कम्पलीट फर्नीचर अच्छा और सारी फॉल सीलिंग इलेक्ट्रिकल ओके और सारा का सारा आप वुड वर्क देख ही रहे हैं जी जी और जितने हमारे भी हमारे डिजाइनर बेड सोफे सेंटर टेबल ये सभी चीजें इंक्लूड है ओके okay. पार्ट अपने आप में काफी एक्सपेंसिव होता है वो? नहीं अप्लायस पार्ट और ए पार्ट हम कभी भी अपने पास हम अपने में नहीं नहीं इंक्लूड करते लेकिन यहाँ पे क्योंकि इटालियन हमने सारे में लगाया है इस वजह से थोड़ी सी कॉस्टिंग ऊपर है अच्छा ठीक है और गिविंदी टारगेट हो गया था ये yes, yes. ठीक है और राइट आई थिंक वी आर डन विद टूर नाउ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विल सी यू सून वंस अगेन न्यू हाउस विद न्यू ड्रीम एक बात और है कि हमने इसमें जो एलिवेशन की जो कॉस्टिंग थी जी वो रफली अराउंड नाइन टू टेन लैक्स आई थी ओके okay. तो वो हमने ऑन एक्चुअल कॉस्टिंग पे चार्ज की थी अच्छा इसमें एलिवेशन भी इंक्लूडिंग है नहीं वो पैसे अलग हैं वो पैसे अलग हैं अच्छा एलिवेशन के में क्या क्या चेंजेस थे वैसे अगर बात चल रही है तो तो एलिवेशन में इट्स नॉट अबाउट चेंजेस एलिवेशन पूरा हमने डन किया था जैसे अच्छा टाइल का काम किया है उसमें हमने स्टोन का काम किया है उसमें हमने गेट लगाया है उसमें हमने एच का काम किया है उसमें हमने आप कह सकते हैं हमने एम एस जाली का काम किया है अच्छा जो आप हमें इंट्रो में बता बताया है लाइटिंग का काम किया है जो आप हम कॉस्टिंग का लगाइए अच्छा जो तो इंट्रो पार्ट में हमने बात किया था ठीक है डन ओके थैंक यू वेरी मच सनी जी एक बार फिर से बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच और जो अब आप इमेज देख रहे हैं ये उस बंगलों की रॉ इमेजेज हैं लुक एट द वे द वे इट वॉज लुकिंग बिफोर ही स्टार्टड वर्किंग और ड्योरिंग द वर्क आई होप यू लाइक दिस वीडियो विल भी बैक अगेन विद मोरटरेस्टिंग वीडियो टिल देन टेक के बाय